नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से रामकिशोर वर्मा की खास रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। जनपद अलीगढ़ की कस्बा टप्पल में हुई 2.5 वर्षीय अबोध बालिका की हत्या को लेकर लोगों को झकझोर दिया है। जनपद मैनपुरी में कस्बा घिरोर, कुरावली, भोगांव, बेवर, किशनी आदि स्थानों पर भी युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को तत्काल फांसी देने की मांग की है। खासकर कस्बा करहल के आक्रोशित युवाओं ने करहल नगर कैंडल मार्च निकालकर क्षेत्र पंचायत कार्यालय स्थित शहीद स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने नारेबाजी कर गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा व फांसी देने की मांग की। युवाओं का कहना है कि दोषियों को सार्वजनिक रूप से दंडित की प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि ऐसे कृतज्ञ करने वालों पर अंकुश लग सके। आइए आपको सविस्तार खबर बताते हैं और आक्रोशित युवाओं का इस विषय पर क्या कहना है आपको सुनाते हैं। भाई, मैं ये चाहता हूँ कि दोनों को बीच चौराहे पे डाल के उनकी बोटी बोटी कर दी जाए, जिससे पूरे समाज में एक सबक जाए कि कोई भी ऐसा दोबारा कदम ये उठा ना सके। और उनके खिलाफ अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो उनके खिलाफ दोबारा बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, फांसी चढ़ा दिया या जनता को सौंप दिया जाए। जनता अपना फैसला स्वयं कर लेगी कि उन्हें उन दरिंदों के साथ क्या करना है। इंसानियत जो है लोगों की क्या मर गई है। यदि किसी आसपास का नाम आता है तो सारी समुदाय, चाहे हिंदू मुसलमान, सभी लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं। क्या ट्विंकल के लिए हम लोग आवाज नहीं? हम केवल इस चीज को समुदाय या धर्म से क्यों जोड़ते हैं? हमें देखना चाहिए इंसानियत कहाँ गई। हम लोगों आज हम लोग घर में, अलीगढ़ में जो 2.5 साल की बेटी जो है ट्विंकल शर्मा, इसके साथ जिस तरीके से कुकृत्य किया गया है, तो जल्द से जल्द ये चाहते हैं इसमें कड़ी से कड़ी सजा और पुनरावृत्ति ना हो, तो सार्वजनिक रूप से सामाजिक स्थितियों को देखते हुए समाज के सामने इस पे शासन से मांग करते हैं, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।